अखिलेश यादव का भी करीबी कहा जाता है और कई सारी उसकी तस्वीरें अखिलेश यादव और डिंपल यादव के साथ इस वक्त वायरल है। ये भी दावा किया जाता है कि जब 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और अखिलेश यादव सीएम थे, तब नवाब सिंह यादव को कन्नौज का मिनी सीएम भी कहा जाता था। बच्ची ने आरोप लगाया है कि नाबालिग बच्ची को नौकरी का झांसा देकर नवाब सिंह यादव ने उसके साथ रेप करने की कोशिश की। जो पूरी कहानी पुलिस ने सामने रखी है, उसे बताया जा रहा है कि उस नाबालिग लड़की को नौकरी देने का झांसा दिया गया और उसकी बुआ जो पहले समाजवादी पार्टी में ही थी अब बीजेपी में है, वो उसे लेकर उसके पास रात को करीब 1:30 बजे पहुंची थी। अयोध्या में एक नाबालिग बच्ची से गैंगरेप के मामले के बाद एक नया मामला कन्नौज से सामने आया है। इसमें भी एक नाबालिग बच्ची से रेप की कोशिश का मामला दर्ज हुआ है और आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये दोनों आरोपी, चाहे वो अयोध्या का गैंगरेप का मामला हो या फिर कन्नौज में रेप की कोशिश का मामला हो, दोनों ही आरोपी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। कहा यह जा रहा कि जिस तरह से मोहित खान जो था वो समाजवादी पार्टी का नेता है, ठीक उसी तरह से जो कन्नौज में गिरफ्तारी हुई है नवाब सिंह यादव की, वो भी समाजवादी पार्टी से लंबे समय तक जुड़ा रहा और इसीलिए इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने उसके खिलाफ FIR दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि रात करीब 1:30 बजे यानी रविवार की रात करीब 1:30 बजे 112 पे एक फोन आया। फोन एक नाबालिग बच्ची ने किया था, उसने बताया कि उसके साथ रेप करने की कोशिश की गई है। लिहाजा पुलिस तुरंत मौके पहुंची, उस नाबालिग के बयान के आधार पर पुलिस घटना स्थल पर पहुंची यानी जहां उसके साथ छेड़छाड़ होने की कोशिश हुई थी वहां पहुंची, तो वहां पर नवाब सिंह यादव एक बेड पर हाफ नेकेड यानी अर्धनग्न अवस्था में था। लिहाजा पुलिस उसे अपने साथ ले आई, उससे पूछताछ की, लड़की का बयान दर्ज किया गया, उसका मेडिकल दर्ज कराया गया, उसके बाद नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन ये नवाब सिंह यादव कौन है जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त सनसनी मची है? नवाब सिंह यादव के बारे में कहा जाता है कि वो कन्नौज का रहने वाला है और समाजवादी पार्टी में लंबे समय तक रहा। इतना ही नहीं, जब दावा ये भी है कि डिंपल यादव कन्नौज से सांसद थी तब उनका वो प्रतिनिधि भी था, यहाँ वहाँ पर वो डिंपल के सारे कामकाज को खुद देखता था। इतना ही नहीं, उसे अखिलेश यादव का भी करीबी कहा जाता है और कई सारी उसकी तस्वीरें अखिलेश यादव और डिंपल यादव के साथ इस वक्त वायरल है। ये भी दावा किया जाता है कि जब 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और अखिलेश यादव सीएम थे, तब नवाब सिंह यादव को कन्नौज का मिनी सीएम भी कहा जाता था। इतना ही नहीं, वो खुद अपने आप को एक किंग मेकर बताता था। वो पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी है, उसके पास एक महिला डिग्री कॉलेज भी है और कहा जा रहा कि जो गिरफ्तारी उसकी हुई है उसी डिग्री कॉलेज से हुई है। जो आरोप उस पर है वो बेहद शर्मसार करने वाले हैं। बच्ची ने आरोप लगाया है कि नाबालिग बच्ची को नौकरी का झांसा देकर नवाब सिंह यादव ने उसके साथ रेप करने की कोशिश की। जो पूरी कहानी पुलिस ने सामने रखी है, उसे बताया जा रहा है कि उस नाबालिग लड़की को नौकरी देने का झांसा दिया गया और उसकी बुआ जो पहले समाजवादी पार्टी में ही थी अब बीजेपी में है, वो उसे लेकर उसके पास रात को करीब 1:30 बजे पहुंची थी। लड़की का बयान है कि जब उसकी बुआ वॉशरूम गई थी तब नवाब सिंह ने उसके कपड़े उतारने शुरू किए, उसके साथ रेप करने की कोशिश की, उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, लिहाजा वो वहां से डर कर बाहर निकली। उसने पुलिस को कॉल किया और उसके कॉल के बाद पुलिस मौके पहुंची और नवाब सिंह को वहां से डिटेन कर लिया। उसके बाद बच्ची का जो है वो बयान दर्ज किया गया और मेडिकल हुआ, उसके बाद से उसकी गिरफ्तारी हुई। तो ये पूरी कहानी जो नाबालिग बच्ची है उसने पुलिस को बताई, इसके आधार पर पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई की है। लेकिन हैरान करने वाली बात ये ही है कि जिस तरीके से जो मामला अयोध्या में सामने आया था उसमें भी समाजवादी पार्टी ने कोई पक्ष अपना नहीं रखा था, यानी उसमें भी जो आरोप थे वो समाजवादी पार्टी के एक पूर्व नेता पर थे और यहाँ भी जो आरोप है वो भी समाजवादी पार्टी के एक पूर्व नेता पर है। हालांकि समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि वो पार्टी से निकाल दिया गया था बहुत पहले और उसका पार्टी से कोई संबंध नहीं, यानी जो नवाब सिंह यादव है वो अब समाजवादी पार्टी में नहीं है। लेकिन बीजेपी इस बात को लेकर हमलावर है कि वो कभी डिंपल यादव का प्रतिनिधि हुआ करता था, समाजवादी पार्टी का ताकतवर नेता था कन्नौज में, खुद को लोग उसे मिनी सीएम कहते थे और वो खुद को किंग मेकर बताता था।
आज रात्रि लगभग 1:30 बजे यूपी 112 पे फोन से सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें लड़की ने कहा था कि मैंने ऊपर के कपड़े उतार दिए और गलत काम करने का प्रयास किया गया है। तत्काल मौके पे पीआरवी और थाना कन्नौज की पुलिस पहुंची थी, जहां से लड़की को बरामद किया गया और आपत्तिजनक अवस्था में अभियुक्त नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में लड़की ने बताया है कि इसकी एक बुआ है जिसके साथ ये रात्रि में नवाब सिंह यादव के यहाँ पहुँचे थे। इन्होंने बताया था कि नौकरी के नाम पर बुलाया और उसके बाद इस प्रकार की घटना हुई। तहरीर के आधार पर इसमें सुसंगत धाराओं में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया, अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया और विधिक कार्रवाई की जा रही है। लड़की नाबालिग है, अपनी उम्र लगभग 15 वर्ष बताई। इसमें इन्होंने इस प्रकार का जो तहरीर दिया उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें विवेचना प्रचलित है, जो भी अन्य तथ्य आएंगे उससे अवगत कराया जाएगा।